हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमके नर्सिंग एकेडमी और मैं हूं आपके साथ महेश कुमार। तो आज हम लेके आए एक नई वैकेंसी जो निकाली गई है एमपी एनएचएम के द्वारा। इस वैकेंसी के बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। ये वैकेंसी कब निकाली गई है, किस पोस्ट के लिए निकाली गई है, इसकी डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, तो चलिए हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशंस मध्य प्रदेश ने इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं। पोस्ट है हमारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसकी टोटल सीट है 3800, जनरल के लिए है 1026 पोस्ट, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है 380 पोस्ट, एसटी के लिए है 760 पोस्ट, एससी के लिए है 608 पोस्ट, ओबीसी के लिए है 1026 पोस्ट एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है 228 पोस्ट। इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में हम जान लेते हैं, इसके क्या क्वालिफिकेशंस हैं। इसके क्वालिफिकेशंस यहाँ बताई गई है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एंड इसमें अगर आप फाइनल ईयर्स में हैं बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2020-2021 सेशंस में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया मांगा है, तो जैसा कि आप देख सकते हो 21 साल से 40 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट है, तो फॉर्म की जो डेट है वो 18 सितंबर 2020 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस है 18 अक्टूबर 2020। पीडीएफ पहले डाला गया था लेकिन अब इसे अपडेट कर दिया गया है एनएचएम एमपी ने, इसकी डेट बढ़ा दी गई है, वो है 18 अक्टूबर 2020। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके लिए इन्होंने वेबसाइट दे रखी है एनएचएम एमपी और एसएएम, आप इन वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हो। दोनों वेबसाइट हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अगर इस पोस्ट को लेकर आपको किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपने जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।